देखिए, लैंड सर्वे को लेकर बड़ी खबर है। जमीन सर्वे के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। लोगों को सर्वे के लिए 3 महीने का समय मिल सकता है। तब तक लोग अपने अपने जमीन का पेपर दुरुस्त करा सकते हैं। इस बीच ये भी खबर है कि सर्वे में अब लोगों से जमीन का पेपर सरकार नहीं मांगेगी। सर्वे में हो रही लोगों की कठिनाई को देखते हुए सरकार बड़ा निर्णय ले सकती है। भूमि सुधार और राजस्व मंत्री ने कहा कि 3 महीने का समय कागज खोजने में रैयतों को दिया जाएगा। साथ ही कैथी लिपि को लेकर कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके लिए प्रशिक्षक बनारस से आ रहे हैं। सांसद पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री दिलीप जायसवाल पूर्णिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने पप्पू यादव को सांत्वना भी दी। देखिए, लोगों की कठिनाई को देखते हुए यह फैसला सामने आने की बात कही जा रही है। लैंड सर्वे में रैयतों के कागजात मुहैया कराने को लेकर के समय सीमा बढ़ाई जाती है, कई तरीके की छूट भी दी जा सकती है। और मेदिनीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। होटल से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। एक व्यक्ति के पास 90 लाख कैश मिला। CGL परीक्षा को लेकर होटल में हो रही थी जांच, और जांच के दौरान बिहार के एक शख्स के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ। रफीगंज का रहने वाला सदन यादव है ये, और शख्स से पुलिस अब पूछताछ भी कर रही है। तो बड़ी खबर आपको मेदिनी नगर से बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि CGL परीक्षा को लेकर के होटल में ये जांच हो रही है, और जांच के दौरान ही बिहार के एक शख्स के पास से 90 लाख कैश बरामद हुआ। रांची से बड़ी खबर है, जहां राज्य भर में इंटरनेट सेवा 2 दिन के लिए बंद। 21 और 22 सितंबर को इंटरनेट सेवा बंद रहेगा। सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगी। राज्य सरकार ने JSC CGL परीक्षा को लेकर के यह बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार का यह फैसला है। झारखंड में 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होगी। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। ओम प्रकाश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पेपर लीक कैसे रुके, इसको लेकर के इंटरनेट सेवा बंद रखी जाएगी, क्या तैयारी है? जी बता, इंटरनेट सेवा को बाधित करने कर जो एक सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ये इंटरनेट सेवा को स्थगित करने के लेकर सरकार की जो प्रधान सचिव है वंदना दादेल, उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं, और तमाम जो टेलीकॉम कंपनियां हैं और इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को इससे अवगत कराया गया है। बता दें कि CGL पेपर लीक को लेकर बात की जाए तो एक तमाम कवायद जो है वो की जा रही है, ताकि जो परीक्षार्थी हैं वो निष्पक्ष और पारदर्शी उन माहौल में जो है वो परीक्षा दे पाए। तो इस तमाम जो कवायद को लेकर अब देखना होगा कि इस जो पेपर लीक को रोकने को लेकर जो इंटरनेट सेवा को बाधित किया जा रहा है, इससे क्या कुछ संभव हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर एक तरफ रोष भी है, कई लोग इसे लेकर सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर पेपर लीक रोकने को लेकर इंटरनेट सेवा को बाधित करना ही क्या एक बेहतर कदम था। ये तमाम चीजें जो है वो सवालों के घेर में दी है। अब देखना होगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।